हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। और मम्मी बिट्टू तन्नू का तो आपको पता है, 2-3 दिन से गए हुए हैं मामा घर, तो आज आने का है उनका का। देखते हैं कब क्या आते हैं। यहाँ देखो दीदी, काफी दिनों के बाद परोठे बना रही। परोठा की परोठे क्या बोलते? पराठा। पराठा कल देखा था ना, घी छुपा के रखा हुआ था, वो आज निकल गया। घी के बना रहे हैं, बनाते वो भी कमल के लिए। देखो ये कमल आ गया है। खाने का नहीं बोल रही? मुझे नहीं खाने, मुझे अच्छे नहीं लगते घी के परोठे। पर ये देसी घी है, पता नहीं भूख लगेगी तब खाऊंगा ना। चल रहे थे भाई, मेरे भी कमल वाली के लिए बना लेती नहीं। बना के रख देना, कहीं भूख लगेगी तो खा लूंगा। ये कमल तो खा ही रहा है, एक घी भी निकाल लिया इसने। कैसा लग रहा घी? खा के देखता हूँ। गरम कर दे, घी के साथ खाएगा पराठा। वो तो गरम है तो पिघल जाएगा, वो तो रोटी गरम है तो पिघल जाएगा। मेरे लिए भी एक आधा बना देना। अभी गरम गरम अच्छा लगा तो घी का साथ खाना, ठंडा तो अच्छा लगा। मौसम देखो कैसा लग रहा है। बड़ी मुश्किल परेशानी है गाइस। देखो सब्जी बगाड़ते बगाड़ते न लागे, सब्जी बनाऊ कि पानी भरू नहीं, और ऊपर से लाइट भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा तो भर रही है। मम्मी का वेट कर रही पर अभी तक मम्मी आई नहीं। आ जाऊंगी बोली थी संडे को दिन, पर पता नहीं मम्मी का आने का मूड है या आज ही रहने का मन है। अभी तो शाम होगी तभी पता चलेगा, अभी तो दिन बाकी है, तो उम्मीद भी बाकी है कि मम्मी आ जाएगी। पर अपने यहाँ नल आते तो लाइट के बिना पानी नहीं आता नहीं। हाँ, वो तो कमल ने थोड़ा सा हेर दिया है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। लाइट बंद है, लाइट बंद है, लाइट बंद है। यहाँ पर मोटर रखी हुई है, कुछ ऐसा कनेक्शन करा हुआ है, मोटर चलेगी तभी पानी आएगा तेजी से। और लाइट तो बंद है, ये देखो ये बंद है लाइट। लाइट चालू रहती तो ये जलता। अरे भर रहे दीदी पानी, कितना आ रहा, कहीं भी नहीं आ रहा है, तो बंद ही नहीं। वो कमल ने थोड़ा हेड़े ने नहीं, तो थोड़ा तो बंद ही है ना, कहाँ चल रहा नल? नहीं है क्या? देखो कितना आ रहा है। ये अपने यहाँ पहले हेड़े ले खाने कौन ये निकाला हुआ है, ऐसे निकल जाता है, इसको क्या निकालना है? क्या पता? थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो ये इतना इतना भर रहे दीदी। और खाना भी इधर बन रहा है, ये खाना भी बन रहा है। काफी टाइम से दीदी देखा था ना, बिट्टू तन्नू मतलब मम्मी का वेट कर रहे थे, तो अभी आ गए बिट्टू तन्नू मम्मी। कुंदन छोड़ने के लिए आया हुआ है, देखो ये आ गया। बिट्टू किधर घुसा हुआ है? अरे बाप रे, आ गए तानू, कैसे हो? तबीयत खराब कर ली? अरे वो देखो उतर जाओ, उतर जाओ। तबीयत खराब कर ली चोरी ने, उल्टी सीधी चीज खाते रहती है। वहाँ भी आंगनबाड़ी उत्तर जी मारा, दो बार जी मारा आंगनबाड़ी में। इसमें क्या लेके आ गए? मिर्ची को क्या किलो में लिए? क्या किलो? 170 का करे, 160 किलो ली, 5 किलो ली तो थोड़े पैसे रह गए, 500 दिए। चम्मच लाए, दिन पूरा गया, अच्छे ले आए थे। ऐसे दे हम कंदन और पैसा। दीदी ना बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इनका, क्या कब आएंगे कब आएंगे, अकेले काम कर रहे ना। चलो चलो यार, मम्मी जल्द पान में खाना, बस बस पान में खाना पड़ेगा। चलो तो गाइस, मैं 2 दिन के लिए मामा घर गया। चलो चलो बैठो बैठो। फिर क्या हाल चाल, माँ की क्या हाल चाल है? बढ़िया है, बढ़िया है। मम्मी 2 दिन, दो या 3 दिन रह के आए ना? दो रात रह गई, दो रात और तीन रात में हम लोग आ गए। ये मम्मी क्या लेके आए? हम सब से आए विस्तार से, ये संतोष का दीदी वाले कमल वाले है। हां, हमारे लिए लाए, लेकिन खाएंगे ये बच्चे, पता है मुझे। खाओ तुम भी खाओ। वहाँ खाई का दुकान बंद थी, मेन दुकान पर से नहीं लाया, वहाँ बंद किया। हम गांव में जाएंगे और केक लेके घर खाएंगे। ये डेली आती है रोटी खाने के लिए।
ये मम्मी खिला रही है रोटी। और ये देखो, ये कुत्ती को भी लाके दे दी मम्मी ने रोटी। शाम हो गई और अभी दीदी पता नहीं कहाँ जा रही। कहाँ? इधर बस्ती में। मम्मी क्या करे, बहुत ज्यादा खाना बना लिया मैंने, बोले रात में खा लेंगे। नहीं सही है, इतनी मेहनत से खा जाता नहीं रात में। हाँ, खा जाना, रात सब में खाते रहता हूँ। हाँ, सब खा जाना। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो कैसा हो क्या है। बेटा आज काम करना, और ये देखो पपीता खाने लग गए। आज दिन में लेके रख दी थी तो काका मामा बोले पर जोर से। अरे यार तुम लोगों का तो, मेरा अभी जस्ट आया है काम पर से। अब हिसाब लिखना पड़ेगा, टेलीफोन कहाँ कहाँ डली वो लिखना पड़ेगा। मतलब हाँ, एक दिन में कितना काम हुआ है वो हिसाब ना, पूरा हिसाब करना पड़ता है, क्योंकि ट्रैक्टर भी चलाता है, उस पे काम भी करता है, तो हिसाब देना पड़ता है पूरा। उधर की भी लाइट चालू हो गई थी। कहाँ की लाइट चालू? यही वाली। मम्मी फिर टीवी को मिस करा? टीवी आपके सीरियल रह गए थे। मामा घर अलग नाच सीरियल चलते है, आपको अलग देखना पसंद है? मैं तो सिर्फ दो नाटक देखूं। क्योंकि पता है सीरियल देखने का सबसे ज्यादा शौक दीदी तो बहुत कम देखती, मम्मी सबसे ज्यादा देखती। 12 बजे रात तक सीरियल देखते रहती। अभी इसके लिए खांसी की दवाई भी लानी पड़ेगी, खास रही है। मैं तो नहीं देखती, वो तो कल काम करा करी, मैं उनको धोआ करी, इसलिए मैंने वो ये मल्ली देख ली। कल बहुत काम करा मम्मी, एक महीने का काम दीदी ने एक ही दिन में कर दिया। बर्तन भी साफ कर दिए, ये खास इतनी रही है। हल्का सा बुखार भी लग रहा है, और खराब खराब चीजें खाओ, कुछ भी खाते रहना। खाना तो खाया नहीं, बता पूरा दुकान का खाना खाया। बार बार कैसे वहाँ मजे हो जाते ना इनकी, तो इसके ज्यादा अपन बच्चे वहाँ ज्यादा है तो बहुत खेले। अंगनवाड़ी में कितने कितने जगह खाया, देखो खिचड़ी खाई, खिचड़ी खाई, बाद में वो बांटे और गोपी की खाई और फिर रोटी। तो अभी आपने देखा तन्नू कैसे खास रही है, ये उल्टी सीधी चीज खाया करते हैं ना, इस वजह से ऐसा हो जाता है। मैं दूध लेने जा ही रहा था कि लाइट बंद हो गई, और मैं ये लाइट जला दी है। मतलब आप देख लो मम्मी सीरियल, परसों भी गई थी 8 बजे तक, पता नहीं। ये सो रखिए, आप उल्टी सीधी चीज मत खाना है, मैं जा रहा हूँ अभी दवाई लाने के लिए, ठीक है? मम्मी इनको आधा आधा ढक्कन पिलानी है। नहीं, जिसको खांसी लगी उसको, आप नहीं बेटा को। आज क्या है ये बोला। और ये सेव भी लेके आ गया हमें, और 30 का दूध भी लाया, और जो दुकान वाला है ना, दुकान वाले उसके बच्चे का बर्थडे था तो केक दिया थोड़ा सा, जहाँ से दूध वगैरह लाते हैं उनके। आप मत खाना तन्नू, खाना मत है बेटा, केक मत खाना, खांसी लगती है बेटा आपको, खांसी लगी हुई, केक नहीं खाना है ना, समझदार बच्चे है ना। हाँ, आप क्या पियोगे, क्या भी होगे, दवाई। क्या दवाई? दवाई। हाँ, बिट्टू को तो नहीं खांसी लगी है ना, वो तो अकेले कट करेगा कि किसी के लिए रहने देगा। केक भी है ये, कमल तो खाना भी खा लिया, हो गया नाना भी हो गया और खाना भी हो गया। ऐसा मत खाए, आराम से बेटा रहने दो, रहने दो, रहने दो पूरा। अरे वहाँ कहाँ खा रहे तुम लोग, पूरा बेड पे गिरा रहे हो, पूरा का पूरा गंदा कर दिया बेड। झटक मना, आज आज ही धोया रे, कैसे दीदी कैसे दी, आज ही धोया रे, मतलब आज ही धोया। तो कमल भी खा रहा केक, ये और इसको खाना ही है। बिट्टू बिट्टू बस बेटा बस, हो गया बेटा हो गया, केक खा रहा, मुंह में दिख रहा है तेरे केक। देख तो हमारे तन्नू को देखो तो सिर्फ मिक्सचर खा रही है, दिखाओ बेटा। ये देखो केक का मना करा है, आपको खांसी लगी हुई है ना। हाँ, ऐसे भी ये खाता ही नहीं, वो इसको तो देखो। अरे बस कर ले बेटा, बस कर ले, चाट चाट के खा रही है दोनों दोनों। बिट्टू रहने देना, खाने देना बेटा, आपने इतना सारा खा लिया ना बेटा, खान देना, तेरा मुंह भी देख ले। नहीं बेटा बस बस, हमारे तन्नू अब समझदार बन गए भाई, कुछ भी जिद नहीं कर रही है। अभी अपन भी बिट्टू या इसके बर्थडे पे बड़ा वाला केक बनवाएंगे। छोटा वाला
हमारे तन्नू का बर्थडे आएगा पहले तो। कितना बड़ा केक लाएगी बेटा? बहुत बड़ा। ककड़ी बहुत मीठी लगी। हाँ वो पपीता ना। हाँ मम्मी बहुत मीठी थी। 35 रुपए की। तो गाइस हमारे तन्नू की तबीयत खराब हो गई थी तो हम उसके लिए दवाई ले आए। अभी दवाई क्या कर रहे? पिला रहे। और मीठी चीज नहीं खाना है बेटा? दवाई तो पी जाती है। चला आकर 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 पी जा, गिराना मत। अभी देखा ना काका ने काका की तन्नू तन्नू को दवाई पिला रहे थे। आपने देखा ना ये तन्नू की तबीयत खराब है इसलिए काका दवा लाए थे और पिला दिए। तो ये रहे काका का। तो गाइस आपने देखा होगा वहां पर दुकान वाले के बेटे का बर्थडे था। काका केक लाया था। हो गया? हाँ ले लो। ब्लॉगर बनेगा क्या पढ़ा होगा? हाँ। और पढ़ाई बच्चा करेगा ना बेटा? हाँ सारे काम भी तो अच्छे कर लेता है। मैं भी करूँगा। ये छोटी सी कटिया में कौन सा होता है? मेरी कटिया है। किसकी है? तो होता है मेरी है। यहाँ चल दोनों की है। बेड छोड़कर इतना बड़ा बेड छोड़कर यहाँ पे सोते हैं।